हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं मारुति सुजुकी की वैगनर है, 2013 का मॉडल है, सीएनजी प्लस पेट्रोल है। तो इसका हम डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका कॉइल इवापोरेटर कॉइल जो है लीकेज हो चुका है, इसके वजह से हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। तो आप हमारे से जुड़े रहे, अगर मेरे चैनल में नए हो तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसका कौन सा पार्ट क्या क्या और कैसे कैसे खोलेंगे वो आपको दिखाऊंगा। चलो फिर हम अपना काम चालू करते हैं। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने लगभग डैशबोर्ड पूरी खुल चुकी है। मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ क्या क्या खोलना पड़ता है। ये वाली केबल रही और ये रेजिस्टेंस की सॉकेट, और ये रही सेंसर कूलिंग कॉइल का, और ये वाली अर्थिंग की वायर ये निकालना पड़ेगा आपको, बाकी ये ब्लोअर की सॉकेट। उसके बाद बाहर दिखा देता हूँ आपको, ये रही दोनों 12 नंबर इस साइड का खोलना पड़ेगा, ये रही 10 नंबर, और ये पैनल निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये वाली साइड पैनल, ये वाली साइड पैनल, फिर मैं इस साइड का दिखा देता हूँ आपको क्या क्या खोलना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों 12 नंबर खोलना पड़ेगा, और ये वाली सॉकेट सब खोलना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सब सॉकेट निकालना पड़ेगा, ये अर्थिंग की वायर, ये एंटीना की केबल, और ये दोनों केबल निकालना पड़ेगा आपको, हीटर का और डायरेक्शन का। उसके बाद स्टीयरिंग रॉड, मैं खोल के इसको अलग कर दिया हूँ, और ये रही जो यहाँ से एक पट्टी रहती है, पट्टी निकाल देता हूँ, ये वाली पट्टी आपको खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद लगभग पूरी खुल चुकी है, तो चलो अब हम इसको पलटी मार देते हैं, पलटी मार के फिर आपको दिखाएंगे। कि आप देख पा रहे हैं, मैंने डैशबोर्ड पलटी मार दिया है, और ये रही कंट्रोल एसी कंट्रोल यूनिट, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, तो ये रही बोल्ट। मैं इसको ये वाली यूनिट को नहीं निकालूंगा, सिर्फ एसी को निकालूंगा, तो इसके लिए मेरे को बाहर कूलिंग कॉइल का जो एक्सटेंशन वाल के पास जो ज्वाइंट दिया है वो वाला ज्वाइंट खोलना पड़ेगा। और उसके बाद मैं इसको ये सब चारों बोल्ट खोल के थोड़ा इसको ड्रेसिंग को आगे लूँगा, और इधर चार स्क्रू रहती है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा अभी। चलो फिर हम जब तक इसको खोलते हैं, फिर खोलने के बाद आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली रही एक्सटेंशन वाल के पास का जॉइंट, मैंने खोल दिया है, और हीटर पाइप जो रहता है इसका काफ़ी नीचे रहता है, तो इसकी वजह से हम इसको नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि ये खोलने और लगा फिटिंग करने में लीकेज हो जाता है, तो इसकी वजह से हम इसको नहीं खोलेंगे, क्योंकि अंदर से मेरा खुल जाएगा, चार स्क्रू खोल के खुल जाएगा। तो चलो आगे हम खोलते हैं अंदर। तो ये कंट्रोल रूम यूनिट के अंदर ये वाली स्क्रू, ये स्क्रू, और इसके अंदर रहता है स्क्रू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप अगर खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा स्क्रू है। तीन स्क्रू नीचे रहता है, और ये हीटर की जो ये पट्टी रहती है इसमें एक स्क्रू रहता है। तो हीटर कॉइल का जॉइंट खोलने से अच्छा हमको इधर से ही ईजी पड़ता है, क्योंकि इसका हीटर कॉइल जो है काफ़ी तकलीफ भी देता है पाइप जॉइंट खोलने के लिए, तो इस वजह से हम इसको यहीं से खोल लेते हैं। चलो फिर हम आपको खोल के आगे दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक दो और एक यहाँ रहती है, तीन और चार पांच स्क्रू रहता है टोटल इसका, और एक ये पट्टी की रहती है स्क्रू, ये वाली जो हीटर कॉइल के पाइप को पकड़ के रखता है, वो खोलने के बाद, ये वाली खोलने के बाद ही एक स्क्रू खुलेगा आपका इधर का पाना, तभी बैठेगा वहाँ। तो मैंने इसको खोल दिया है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको निकाल रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये निकल चुकी है। तो अब हम इसका कॉइल चेंज करेंगे, बाहर लेता हूँ इसको मैं। एक बार आप इसको भी देख लीजिए, मैं इसको इधर ही रख दिया हूँ, सिर्फ हीटर कॉइल है इसमें और फ्लैप वगैरह है, आप देख रहे हैं, इसको इधर ही रखा हूँ बॉडी में ही, जो कि मैं ये निकाल दिया हूँ, सिर्फ इवापोरेटर वाला ट्रे निकाल चुका हूँ, यानी डक्ट निकाल चुका हूँ। चलो अब हम इसको बाहर ले करके इसका नया इवापोरेटर कॉइल डालते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, मैं ये पूरा बाहर निकाल चुका हूँ कूलिंग कॉइल, जैसा कि देख पा रहे हैं इधर से लीकेज हो चुका है, और ये रही नया वाला, क्योंकि देख पा रहे हैं आप MRP 266 का है। और चलो अब हम इसको फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके बाद आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, मैं इसको फिट कर चुका हूँ, और ये रही जूनी वाली इवापोरेटर कॉइल,
ये लीकेज क्यों होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं टाइम पे सर्विस ना होने की वजह से, या फिर ये काफ़ी टाइम इसमें धूल मिट्टी वगैरह बैठ जाता है जैसा कि देख रहे हैं, या फिर इसमें फोड़ी निकल आती है, वाइट वाइट कलर की जो फोड़ी दिख रही है, ये आ जाने के बाद ये लीक होता ही है। वैसे भी धूल मिट्टी बैठने के बाद ये लीक होना ही है क्योंकि ये एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। चलो अब हम इसको फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद आगे देखते हैं। अब देख पा रहे हैं मैं फाइनली इसको, ये स्क्रू जितने भी खोला था मैंने सब फिट कर डाला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे मेरे को 10 नंबर का जो रही सब लगा करके फिटिंग करके फिर आपको मैं दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं हाइड्रोजन प्रेशर मार के रखा हूँ 200 का। सिस्टम में देख रहे हैं आप, मैं एक्सपेंशन वाल फिट कर चुका हूँ और प्रेशर मार के रखा हूँ। चलो फिर हम थोड़ी देर इसको हॉल्ड में रखते हैं। अंदर भी फिट हो चुका है, तो जब तक कि मैं प्रेशर मारा हूँ अब सब अंदर भी फिट हो चुका है, अब इसको डैशबोर्ड डालने का रह गया। चलो हम इसमें डैशबोर्ड डालते हैं फिर आगे का आपको दिखा देंगे। आप देख पा रहे हैं मैं डैशबोर्ड डाल दिया हूँ इसमें, देख पा रहे हैं डैशबोर्ड डाल दिया हूँ, बस फिटिंग करना बाकी रह गया, सब फिटिंग करके फिर आपको दिखाऊंगा मैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं डैशबोर्ड पूरी फिट हो चुकी है। अब हम इसका बाहर आपको प्रेशर दिखा देता हूँ, प्रेशर होल्ड है क्या नहीं। जैसा कि देख पा रहे सब फिट हो चुका है, अब प्रेशर आपको दिखा देता हूँ प्रेशर होल्ड है क्या नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये मेरी लाइन लगी हुई है और प्रेशर आप देख पा रहे हैं जितना मारा था उतना ही है, प्रेशर होल्ड पे है। तो चलो हम इसका प्रेशर छोड़ देते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेशर मैंने छोड़ दिया सब, अब इसको वैक्यूम में ले लेता हूँ। सिस्टम यानी इसमें गैस है थोड़ा, रिकवर पूरी तरीके से नहीं हुआ, इसको रिकवरी कर ले, रिकवरी होने दे रहा हूँ जरा, इसके अंदर गैस है पहले से ऑलरेडी इसकी वजह से। तो चलो फिर हम इसको वैक्यूम में लगाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैक्यूम में लग चुकी है, अब हम 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं आपसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है अपना, तो हम इसको गैस क्लीन कर रहे हैं, इसमें गैस हम 300 ग्राम ही मारेंगे, कंप्रेशन जोर ना है इसकी वजह से। 300 ग्राम में गैस में इतनी अच्छी होती है इसकी। बंद कर देता हूँ इसको ताकि गैस सर्कुलेशन ना हो पाए, क्योंकि हाई प्रेशर से होकर के फिर मशीन नीचे होकर के लो प्रेशर में आ जाएगा। तो चलो हम इसको अंदर गाड़ी चालू करते हैं, फिर एसी चालू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी चालू कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं गाड़ी बाहर चालू कर चुका हूँ अभी। अब हम इसका एसी चालू करते हैं, ब्लोअर चालू है, एसी चालू करते हैं। आउटसाइड का एयर बंद है तो थर्मामीटर लगा देते हैं हम इसमें, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 31 पे है, तो नीचे ड्रॉप हो रहा है। तो चलो हम थोड़ी देर वेट करते हैं इसका कूलिंग टेम्परेचर कितना तक जा रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप 8.2, 7.9, 7.5, 7.3, 7.2 तक कूलिंग आ चुका है इसका, यानी कूलिंग की कैपेसिटी प्रॉपर चल रहा है ना, कूलिंग हो रहा है। और ये रही आउटसाइड एयर का, और ये रही ब्लोअर स्पीड का, एसी ऑन ऑफ स्विच लाइट ग्लो कर रहा है, और ये रही एयर डायरेक्शन फ्लैप प्रॉपर चल रहा है। अब चलो हम इसका हीटर हाई पे करता हूँ, हीटिंग टेम्परेचर देखता हूँ बढ़ रहा है क्या नहीं। ऐसा कि देख पा रहे हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ वीडियो और देखता हूँ कितना तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे 47, 48, 49, 50 तक पहुंच चुका है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है।
तो एक चीज जी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने इसमें गैस 250 ग्राम मारा है, इसमें गैस कम मारा है, 300 ग्राम गैस मारा है, जो कि साढ़े चार सौ ग्राम गैस आता है। तो गैस इसलिए कम मारता हूँ मैं कोई भी गाड़ी में हो, क्योंकि गैस कम मारने से कंप्रेसर के ऊपर लोड कम आता है। जब कंप्रेसर के ऊपर लोड कम आता है तो अपना इंजन जो है वो स्मूथली, मतलब इंजन में कोई रुकावट नहीं ना देने के लिए मैं गैस कम मार रहा हूँ, ताकि कूलिंग की कैपेसिटी अच्छी बने रहे और अपना और एवरेज भी अच्छा दे गाड़ी। क्योंकि गैस आप ज्यादा मारेंगे तो कंप्रेसर के ऊपर ज्यादा लोड आता है, गैस आप ज्यादा मारेंगे तो ऐसा नहीं कि कूलिंग ज्यादा होने लगेगा, ऐसा नहीं है, गैस ज्यादा मारेंगे तो भी कूलिंग में प्रॉब्लम होता है और गैस कम मारेंगे तो भी कूलिंग में प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्ट जो गैस है उसमें वही रहना चाहिए, तभी कूलिंग प्रॉपर होगा। तो हेलो दोस्तों, आपके मन में अगर कोई भी ऑटोमोबाइल एयर कंडीशन सिस्टम के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। आप अगर कोई भी ऐसी स्थिति में ऑटोमोबाइल एयर कंडीशन में फंसे हुए हैं तो मैं आपका जरूर कुछ मदद कर सकूं, तो आप मेरे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।